अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। एक अच्छी बात के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और वो ये है, आप लोग उस रब से डरते रहो जिसकी सिफ़त ये है कि अगर आप दिल में बात रखते हो तो वो जानता है, अगर आप कोई बात अल्लाह पाक से करते हो तो वो सुनता है। इंसान है, इंसानों को दिलों के हाल नहीं पता होते और हमें इंसानों के दिलों का भी ख्याल रखना है और हमें ये भी साथ साथ ख्याल रखना है कि अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी देख रही है। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो वो भी अल्लाह पाक को पता है और अगर कुछ अच्छा करते हो तो वो भी आपकी अच्छाइयों में नोट होता है। अल्लाह पाक भूलते नहीं हैं बल्कि उसका बदला आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि वो दिन में उनको क्या लगता है कि वो कितनी अच्छाइयाँ करते हैं कितनी बुराइयाँ करते हैं, उन्हें अपने आप में क्या लगता है कि उनमें कौन सी सिफ्त है, वो लोगों की बुराइयाँ तो नहीं करते अच्छाइयाँ करते हैं, दिन में कितनी कर लेते होंगे। इसके अलावा जी टंग ट्विस्टर्स होंगे, पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? इरम। आपका? वकार अली। क्या कर रहे थे यहाँ? बच्चों को ज़ू लेके आए हैं। आज थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ, आप ज़ू आ गए हैं। कब, कितनी देर बाद आए हो आप ज़ू? तकरीबन 7 to 8 months, 7-8 माह के बाद। अच्छा आप ना मुझे बताइए, आप दिन में, आपको क्या लगता है कि आप दिन में कितनी अच्छाइयाँ कर लेते हो और कितनी बुराइयाँ कर लेते हो? बुराइयाँ ही ज़्यादा होती हैं, अच्छाइयाँ कम ही होती। ऐसा क्यों है? बस हम इंसान हैं, इस तरह के हो जाते हैं अमाल कुछ। चलें एटलीस्ट इन्होंने सच तो बोला। आप क्या कहेंगे इस पर, इंसान कितनी अच्छाइयाँ करता है कितनी बुराइयाँ करता है? ये एक जो सोसाइटी का पहलू इसमें आता है कि सोसाइटी के जो अफेक्ट होते हैं वो हमारी ज़िंदगी पे असरात होते हैं। उसमें नेगेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो गए, अगर कोई अच्छे माहौल में अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ता है नेगेटिविटी पॉजिटिव। लेकिन हमें, आपको नहीं लगता है कि अच्छाई पॉजिटिविटी हमने करनी है क्रिएट? हम वेट नहीं कर सकते, कोई नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव रवैया हमने तैयार करना है, हमने किसी का वेट नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पॉजिटिविटी तो बंदे खुद क्रिएट करता है, फिर तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट हो वो सबसे बेस्ट है, जिस तरह मैंने पहले कहा। बाकी पॉजिटिव रहने के लिए तो हर इंसान कोशिश तो करता ही है, तो अंडरस्टूड है कि अपनी एक्टिविटी को पॉजिटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट करके बंदा पॉजिटिव ही हो सकता है। जारी। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपकी शादी को कितना अरसा हो? 5 years। आपने क्यों नहीं बोला? इन्होंने क्यों नहीं बोला? आप क्यों फौरन से बोल पड़ी है बताइए? एक्चुअली मुझे भूलने की आदत है, मुझे याद नहीं रहता। कि बर्थडे याद है? हाँ बर्थडे तो याद। बताइए। ये है 6 February। ऐसा ही? वाह शुक्र है। और शादी की वेडिंग एनिवर्सरी? वो है 11 March। 11 March है। चले जी, बड़ी अच्छी बात है, इन्हें सब कुछ याद है। आप लोगों से ना मैं एक पहेली पूछती हूँ। एक हाथी जो है वो 1 घंटे में 10 किलो गोश्त खा जाता है, तो 10 हाथी 1 घंटे में कितने किलो गोश्त खाएंगे? हाथी गोश्त खाते हैं। अच्छा 10 हाथी 1 घंटे में 10 किलो गोश्त खाएंगे, आप ठीक है? 1 घंटे में? दोबारा अपनी पहली रिपीट करें। टीचर हैं और ये निकले हाल ही सुने नहीं। 10 हाथी 1 घंटे में 10 किलो खाएंगे, सॉरी 10 हाथी 1 घंटे में 10 केजी खाएंगे, जिस तरह आपने बताया 1 घंटे में 1 केजी खाता है तो 10 ऑब्वियसली 10 केजी खाएंगे। कभी आपने हाथी को गोश्त खाते देखा है? पहले ही आपको कहा कि हाथी गोश्त नहीं। आप बिल्कुल, आपको पता नहीं था, आपने चेंज क्यों किया, कंफ्यूज क्यों किया? तो मैंने साथ ही कह दिया हाथी गोश्त नहीं खाते। अच्छा ठीक है जी, आप गाना गाएंगे अपने हस्बैंड के लिए? नहीं, आप इनके लिए गाएंगे? मुझे तो खैर गाना तो कोई नहीं आता, लेकिन आज वैसे हम, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि स्टेज लगाया, आप कोई सिंगर हैं ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे बहुत अच्छा गाएंगे, जस्ट आपने अपनी वाइफ के लिए गाना है, किसी तरह का भी गा सकते हैं। अच्छा, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखरी है, तू मेरी जिंदगी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। मेरा नाम फैज़ है। फैज़, अच्छा ये दोनों बहन भाई हैं जी?
अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या हालचाल है आपके, मुझे बताओ कि लोग एक दूसरे की बुराइयाँ भी करते हैं, अच्छाइयाँ भी करते हैं, आपको लगता है कि हमें लोगों की बुराइयाँ करनी चाहिए? दिन में हम कितनी अच्छाइयाँ करते हैं, कितनी बुराइयाँ कर लेते हैं? मेरा तो काम है घर का काम काज करना, बस मुझे बुराई करनी आती नहीं, घर के काम ही मसरूफ रहती हूँ। अच्छा तो मुझे बताया आप कौन कौन से काम करती हैं? मैं माशाल्लाह से सारा घर का होल्ड संभालती हूँ, कुकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, यानी सारा घर का होल्ड मैं खुद ही संभालती हूँ। कुछ शेयर करेंगी आप रेसिपी? कोई रेसिपी आप जो कर लेती? मैं कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। कढ़ाई गोश्त, फिर उसकी रेसिपी? चिकन लेके उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ब्लैक पेपर ऐड करना है, फिर हमने साबुत धनिया जो उससे दरदरा करके बीच में डाल देना है, और ज़ीरा को हमने यानी दरदरा करके कुछ मिनट डाल देना है, नमक मिर्च हल्दी ये डाल के हमने ऊपर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब पानी खुश्क हो जाए, जब चिकन हमारा गल जाए और टमाटर गल जाए, तो फिर हमने बाद में थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया लेके उसे दरदरा करके बीच में डाल देना है, फिर दही डाल के और घी डाल के उसकी अच्छे से भुनाई कर दिया और मज़ेदार कढ़ाही गोश्त तैयार। मज़ेदार कढ़ाही गोश्त तो तैयार हो गया। अब जो लोग देख रहे हैं, अब मज़ा तब आएगा जब लोग भी तैयार करेंगे, ये आपके बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे और फिर आपको दुआएं देंगे। अच्छा चले आपसे ना मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बल्कि एक पहेली है। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है एक ही वक्त में? धूप ही होती है बस। कुछ वक्त घर की चीज़ है। अच्छा घर की चीज़ है, बाहर भी होती है। वैसे तो एयर कूलर ज़्यादा यूज़ होता है, वो घर के अंदर भी चल रहा होता है और बाहर भी उसकी हवा अंदर वेंटिलेशन। चलिए मैं एक और हिंट दे देती हूँ कि ये हर घर में एयर कूलर नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ है हर घर में होती है। हर घर में एयर कूलर नहीं होता ना? नहीं, कहीं एसी भी हो सकता है? नहीं। माचिस लगा लें आप। घर के अंदर होती है, बाहर कहाँ होती है? बाजार से मिल जाती है। यही अंदर पानी कैसे? घर में भी मिलता, बाहर भी मिलता। वो ये मैं चीज़ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वो एक चीज़ है, घर के अंदर भी है और बाहर भी है। यूजेबल है कि अनयूजेबल है? यूज में आती है कि किस में आती है? में आती है, यूज में आती है। साबुन घर के अंदर और बाहर एट अ टाइम, बाहर अंदर कैसे रह सकता है? ऐसे मुश्किल सवाल पूछा आपने। सॉन्ग सुना देते हैं हम आपको। जबरदस्त, दोनों सुनाओगे? मैं तो एंगेज्ड हूं, मैं अपनी बेगम को डेडिकेट कर सकता हूं। ठीक है, आप अपनी बेगम को डेडिकेट करें और आप वैसे सुनाइए। ठीक। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहे और हम, इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूँगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पर ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहे और हम।
बहुत अच्छा गाना गाया है। आप भी गाना चाह रही थी, कौन सा गाएंगी? दिल गलती कर बैठा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। दिल से तौबा है दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा। ओ यारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। हमने जुगनू करके तेरा मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम पे हर एक तस्बीह को सांसों के गले जाहर किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमजा कोई हारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। क्लैपिंग तो बनती है, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। आपका? उमर। कपल हैं, कितना अर्सा हो गया है आपकी शादी को? काफ़ी यंग लुक आ रही है दोनों के, मुझे तो लगता है अभी बस रिसेंटली शादी हुई है। हाँ जी, कपल हैं, इट्स बीन 6 मंथ। 6 महीने हो गए हैं। कैसी गुजरी है शादीशुदा जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मुझे लगता है बड़ी अर्ली एज में आपने शादी करवा ली है। नहीं, वैसे लुक ऐसी है। क्यों लग रहा है? इतनी यंग सी है, इतनी मतलब के बच्चों वाली लुक आ रही है आपकी, जैसे अर्ली 20s में होती है ना लड़की। लेकिन खैर अर्ली 20s में शादी तो हो ही सकती है। चले, मतलब मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, आप कह रही हैं ऐसे क्यों कह रही हैं मुझे? रीज़न कुछ ही है, कैसा क्यों लगता है? आप अपनी तारीफ सुनना चाह रही थी। आप मुझे ये बताओ कि कितने काम करती हैं आप दिन में इनके? आप एक बीवी की जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं? सच बताओ, झूठ बताओ? सच मतलब जो काम करने वाला होता है वो मैं कर देती हूँ बस। कौन सा करने वाला होता है? कौन सा करने वाला? ऑफिस जाना होता है तो उसके लिए कपड़े शपड़े रेडी, जूते, हाँ सब कुछ, लंच वगैरह जो भी है ना, ब्रेकफास्ट, सारे काम आप करती हैं। आप इनके क्या काम? जी बेगम की तो खिदमत ही होती है सिर्फ। किस क्या खिदमत होती है? लगता ऐसी है कि घर पे कोई काम नहीं होते, घर से बाहर के बहुत काम होते हैं, जॉब को देखना, घर वालों को देखना, इनकी फरमाइशें पूरी हो जाए बड़ी बात है। कौन सी फरमाइशें ऐसी करती? अच्छा, जो शोहर होते हैं उनको बीवियों की कौन सी फरमाइशें बहुत बुरी लगती हैं कि क्यों मेरे से पूछती रहती हैं, मुझे क्यों इस तरह की डिमांड्स करती रहती? कौन सी ऐसी ख्वाहिशात है जो शोहरों को पसंद नहीं होती? डिमांड्स तो ऐसा अच्छा कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि अभी तो लाइक अर्ली है काफ़ी हमारे लिए, तो ऐसा चीज़ में कुछ चीज़ कह नहीं सकता स्पेसिफिक। अच्छा चलिए, अब आप बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो पहले वीक में आपने काम किए कौन कौन से? इतने खास नहीं, क्यों ना, तो पकाना पड़ता है। कोई मीठी डिश तो बना, कौन सी डिश बनाई थी? मीठी नहीं, क्योंकि मीठी किसी को खास पसंद नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली जो खाना बनता है वही। उसके साथ लाइक नॉर्मल मीठा वगैरह था जो भी। सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे पहले क्या बनाया था? आई गेस खीर। खीर कौन सी? आप ये कहते मैंने उल्लू ही बनाई जा रही थी सब। नहीं नहीं, ये थी मैंने रोटी बनाई थी। नहीं, उसके बाद ऐसी रेसिपी बताइए ना जो भी आप शेयर कर सकें।
रेसिपी बनाने को तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ। फिर बताएं कोई, क्योंकि जब दुल्हनें होती हैं उनके लिए ना देसी टोटके स्किन केयर भी बड़ी ज़रूरी होती है, आपने की थी? नहीं। फिर टोटका बताइए किस चीज़ का? स्किन के हवाले। स्किन के हवाले से, स्किन के हवाले से ये बता सकती हूँ, जैसे बेसन और उसमें हल्दी मिक्स करके, उसमें दही मिक्स करके, तो वो आप लगा लें, स्किन के लिए वो ठीक रहता है। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। पल दो पल की है क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है खुशियाँ काफी नहीं, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना के हमें छू न सके कोई गम, मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, यकीनन आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए जी लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं, बड़ी एक मज़े की पहेली है, वो ये है कि एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खा लेता है, तो 10 हाथी एक घंटे में कितने किलो गोश्त खा सकेंगे? देखते हैं आपको ये समझ आया है नहीं आया, ये आपको पता लगेगा जब आप इंटरव्यूज़ देखेंगे किसका आंसर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फातिमा। आपका? फहद। कितना अर्सा हो गया है आपकी शादी? 4 ईयर। 4 साल हो गए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं इनकी कोई 10 अच्छाइयाँ। इनमें कोई बुराई तो है नहीं। हो हो हो, सबसे अच्छी अच्छाई इन्होंने बता दी कि इनमें कोई बुराई ही नहीं है, क्या बात है। इंसान में तो बड़ी बुराइयाँ होती हैं, जो हम एक दूसरे की कर रहे होते हैं वो बुराइयाँ ही होती हैं। इनकी मैं अच्छाई बता सकती हूँ आपको, ये मुझे कभी रोने नहीं देते। रोने नहीं देते? क्या ट्रिक है ऐसा कि ये रोती नहीं है आप? हैं इसकी जो भी फरमाइश है वो पूरी करते हैं ना, जो भी फरमाइश। जो मुझे बताएं कि हम जो है एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं अच्छाइयां भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप दिन में कितनी अच्छाइयां करते हो कितनी बुराइयां करते हो? वैसे तो मेरे ख्याल से दिन में जब इंसान घूमता फिरता तो अच्छाइयाँ कम होती हैं बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। ऐसा क्यों है? छोटी छोटी मुझे बुराइयाँ बताएं जो इंसान करते हैं लोगों में। बेसिकली जो हमें करना चाहिए ना, ज़्यादातर अच्छाइयाँ करनी चाहिए। सबसे उसमें सबसे मेन चीज़ है कि हमें ना अपना और अपनों का ख्याल रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए हर एक पर्सन के लिए, अपनी फैमिली पर्सन के लिए, अपने इर्द गिर्द का माहौल, जितने भी हमारे हमसाए हैं या हमारे जो भी हमसे रिलेटेड लोग हैं उन सब का। और अगर हम उनमें किसी किस्म की कोई बुराई देखते हैं तो हमें फ़ौरन उनको उनके मुंह पर बताना चाहिए, किसी की पीठ पीछे जो है ना चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी की कोई बात आपको बुरी लगती है तो वो आपको उसके फेस पर बतानी चाहिए, ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके दोबारा इस तरह की चीज़ों। अच्छा जी, अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? पहेली है ये एक, जो घर के अंदर भी होती है और बाहर भी। एक ही टाइम पर वो घर के अंदर भी होती है और वो घर के बाहर भी होती है। कंफर्म ये ले, फ्रिजते शायद, फ्रिजते जो हमारे घर में। दिल घर के अंदर होता ना, एक ही जगह पर दो दो दिल हैं आपके। या क्या चीज़ हो सकती है? सोचो क्या चीज़ हो सकती है, सोचो, जो एट ए टाइम घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। यस, नो आइडिया। चलिए अब ना सजा मिलेगी आपको, ये है कि आपने इनके लिए गाना गाना है, इन्होंने आपके लिए गाना है, ठीक है? पल दो पल की है क्यों
है जिंदगी, इस प्यार को है खुशियाँ काफ़ी नहीं, तो खुदा से मांग लूँ मोहलत मैं एक नहीं, रहना है बस यहाँ दूर अब तुमसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हम सफ़र है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, तेरी मुस्कुराहटे हैं आहटे मेरी। भूल गया। इनकी ख्वाहिश थी कि अपनी वाइफ के लिए गाना गाएं, तो इन्होंने गा दिया। आप इनके लिए गाएंगी? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये बात है, ये ऐसा होना भी चाहिए। आके ही दूर चले जाए हम, दूर इतना के हमें छू न सके कोई गम, आके ही दूर चले जाए हम, इतना। वेलकम जी, बहुत बहुत अच्छा कपल था, इन्होंने एक दूसरे के लिए गाना भी गाया है, डेडिकेट किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सादिया। आपका? जैन। सादिया, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप, क्या वजह क्या है इस मुस्कुराहट की? आज हम अपनी बेबी को, ये माशाल्लाह 9 मंथ्स की होने वाली है, फर्स्ट टाइम लेके आए हैं जू, तो इसने बहुत इन्जॉय किया, तो उसके साथ साथ फिर हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, खुश भी हैं माशाल्लाह जी। चले जी, इनको जो 9 साल की हो गई हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, 9 माह की हो गई हैं, ऑफ माई गॉड, साल बोल दिया मैंने। अच्छा चलें, आप मुझे ना एक सवाल का जवाब दें, आप मुझे बताएं, एक हाथी 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है, 10 हाथी 10 घंटे में कितने किलो गोश्त खाएंगे? बताएं कितने किलो गोश्त खाएंगे? गोश्त तो हाथी खाता नहीं है, हाथी तो गोश्त खाता नहीं। बिल्कुल ठीक आंसर किया। अच्छा आपको क्यों नहीं पता लगा, आपने कहा कितने किलो खाते हैं भाई बताओ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, तो मैं कहा शायद इनको पता। चलो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है, नहीं बल्कि ना जानवर को छोड़ देते, आप ना मुझे बताओ कि खाना पका ले। हाँ जी बना ले। सबसे बेस्ट क्या पका? क्या बेस्ट बनाती हूँ? सब्जी जो भी हो वो अच्छी बना लेती हूँ सभी। हाँ जी। अभी अगर मैं कहूँ आपको कि आपने कोई एक रेसिपी शेयर करनी है, तो आप कौन सी रेसिपी शेयर करो? इस वक्त मैं आपसे पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर कर दूँ। पॉपकॉर्न्स की? ओके। सबसे पहले जो कॉर्न्स कर्नल्स मिलते हैं, एक सेपरेट कॉर्न्स होते हैं, एक तो होते हैं ना जो हम छली खाते हैं वो वाले नहीं, सेपरेट कर्नल्स मिलते हैं वो लेने हैं। थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, ऑयल जब गर्म हो जाए उसके अंदर नमक डालना है, नमक डाल के उसके अंदर कर्नल्स डाल लेने हैं, और ऊपर से जो है वो लिड बंद कर देना है, थोड़ी देर बाद जो है उसकी पॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो पॉपिंग स्टार्ट होगी थोड़ी देर बाद आपने देख लेना जब आवाज़ आना बंद हो जाएगी, ढक्कन के साथ सारे लगना शुरू हो जाएंगे, जिस भी आप कढ़ाई में या पैन में बनाएंगे, तो फिर आपने जो चूल्हा है वो बिल्कुल हल्की आंच पे होगा, और जब पॉपकॉर्न से रेडी हो जाएंगे तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें जब पॉपिंग की आवाज़ बंद हो जाएगी। ठीक है। आप दोनों मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है? हमारी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, कैसे गुजरी है शादीशुदा ज़िंदगी, शादी से पहले की ज़िंदगी, डिफरेंसेस हैं कोई? बिल्कुल है। क्या फ़र्क, सबसे खास फ़र्क आपको क्या फ़ील हुआ है शादी? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स आ जाती है। आप बताइए कि आपकी शादी से पहले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी कि अब? आपकी अच्छी है। क्यों? क्योंकि बच्चों वाले हो गए। बच्चों वाले हो गए हैं, कैसे टिपिकल सा कोई आंसर। अच्छा क्या अब आपने ना अपनी वाइफ के लिए एक गाना गाना है? ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे आप बहुत अच्छा गाएंगे, लेकिन आपने गाना गाना नहीं होता, दोनों में से ना आप डिसाइड कर लें कौन गाएगा एक दूसरे के लिए। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर, उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा
खुदा जब बना उसका ही बना। शुक्रिया जी, अच्छा गाना गाया आपने। कैसा लगा आपको, आपकी वाइफ ने आपके लिए गाना गाया? बहुत अच्छा लगा, बहुत। आप यही कहेंगे, आप खुद तो गा नहीं सके। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हिरा। कासिम। कितना अरसा हो गया, कपल हैं आप? सिस्टर। पूछ लेना चाहिए ना, ऐसे साथ खड़े हैं और बच्चे पकड़े हैं, आपके जहन में तो सबसे पहले यही बात आती है कि शायद ये कपल है, लेकिन जी ये कपल नहीं है, बहन भाई हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपने ना मुझे कोई से 10 पानी में रहने वाले जानवरों के नाम बताने। मुश्किल है, कोई ट्राई करें। बहुत मुश्किल, कभी कभी दिलचस्पी नहीं ली इस चीज़ों ने ना। अच्छा चलिए फिर, आप पहेलियों में इंटरेस्ट है, दिमाग काम करता है? सो के उठाऊँ, देखता काम। सो के उठा है, फ्रेश है, दिमाग तो काम तो करना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बेटा अभी सामने देखो, यस ऐसे। अच्छा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं कि वो कौन सा शख्स है जिसे आपकी ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? दोस्त? नहीं। डॉक्टर? डॉक्टर इज द राइट आंसर। चलिए आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जो सारे काम अपने नाक से करता है? पता नहीं मुझे। ऐसी कौन सी चीज है जो घर के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है? पता नहीं। आप इन सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा चलें आप बताइए, आप शेयर क्या करेंगे? कोई टैलेंट है आप दोनों में से किसी में? इनके पास नहीं है। क्या है? नात है? माशाल्लाह जबरदस्त जी, के लीजिए अब ये नात पढ़ के सुनाएंगे। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी और गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आने वाली है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तू जिए हजारों साल है ये मेरी आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद, क्या हाल चाल हैं आपके? यकीनन खुशबाश होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए लोगों की तरह चलते हैं, उनसे पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपका नाम? कमल फयाज। आपका? फयाज आदिल। मुझे बताइए कि कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 10 ईयर्स हो गया और आज हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। मेरी 16 मई को थी और इनकी 21 मई को थी, तो हमने सोचा कि इन्हीं के दिन हम दोनों सेलिब्रेट करें। आप कितने अच्छे हैं ना, आपने अपनी बर्थडे को सेक्रीफाइस किया, आपने कहा जब इनका बर्थडे होगा तब हम मिलके करेंगे। वाह जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। और हमें आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज मौसम भी अच्छा है और लोगों को देख के इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है। बहुत जम्स हैं इस पर, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलें, आप मुझे बताइए कि आपकी शादी को 10 साल हो गए, आज आपका बर्थडे भी है, तो क्यों ना आपके हस्बैंड को ये कहा जाए कि वो आपके लिए गाना गाएं? ज़रूर। ये गिफ्ट है ना आपकी वाइफ के लिए कि आप ऑन स्क्रीन अपनी वाइफ को एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, क्या बात। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त है, मौके की मुनासिबत से जो है इन्होंने गाना भी गाया है। अब आप भी उनके लिए कुछ गा दीजिए, बेशक उनकी बर्थडे नहीं है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी बर्थडे आपकी खातिर, आप गाएंगी। अच्छा माशाल्लाह देखने में आ रहा है कि आप दोनों में बड़ा प्यार है, ठीक है, तो ये प्यार कैसे है? कोई अच्छाइयाँ जो आपको इनकी पता है, इनको आपकी हैं, आप कहते हो कि भाई कपल को एक दूसरे को आपस में ऐसे रहना चाहिए? इन्होंने हमेशा मेरे साथ कोऑपरेट किया, हर सूरत में कोऑपरेट किया है। कभी भी मुझे ऐसा फील हुआ, हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी को अभी 1 ही साल हुआ है। इतना अच्छा हमारा टाइम गुजरा है और ये जो अच्छा टाइम गुजारना है, यही तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि एक दूसरे से इतना अच्छा टाइम गुजारना है? हमने कभी एक दूसरे पे कोई काम या कोई बात हो तो हम लोगों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की एक दूसरे के साथ, हमेशा प्यार से एक दूसरे से कहा है, अगर मानने वाली हो तो वो मान लेते हैं, अगर वो ना मानने वाली हो तो वो प्यार से समझाते कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता, फिर मैं सुन लेती हूँ मान लेती हूँ। आप बताइए ज़रा, अच्छी शादी के इतने अच्छे साल गुजारने की क्या राज? एक तो यह है कि एक दूसरे के लिए जीना और एक दूसरे की बर्दाश्त करना, और दूसरा मुझे जब इनको जॉब की ऑफर हुई तो मैंने ट्रस्ट करके इनको तो मुझे इन पे इत्मीनान है, और एक दूसरे को जानते नहीं होते लेकिन ये विश्वास का रिश्ता है, इत्मीनान का रिश्ता है, और मैं इन पे इतना विश्वास करता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ, और ये इसी प्यार की निशानी है कि हम आज हैप्पी हैं। अच्छे जो रिलेशंस हैं उनका वो उनकी बुनियादी ट्रस्ट पे होती है। बहुत शुक्रिया जी बात करके, आपसे अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तबीर। आपका? रामी शादी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 1 साल हो गया। मुझे बताइए कि शादी से पहले बड़े इंसान वादे दावे करता है, फिर वो पूरे किए जाते हैं शादी के बाद? जी बस कुछ तो पूरे किए जाते हैं लेकिन कुछ नहीं किए जाते, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद इंसान के आगे 100 मुश्किलात भी आती हैं। सबसे मुश्किलात आ गई हैं 1 साल? सास बहू की लड़ाइयाँ, ये झंझट सारे, तो इस वजह से इनकी लड़ाई होती है सास बहू की? नहीं लेकिन मेरी अम्मी इससे नहीं लड़ती, ये लड़ती है? नहीं नहीं ये भी नहीं लड़ती। जी जी बताइए। नहीं लेकिन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं शादी के बाद, क्या चेंज आता है आपको? जाहिर है जब शादी होती है तो एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, तो नॉर्मल सी होती है, अगर आप खुद अच्छे हैं तो बाकी सब भी अच्छे हैं। सही है। अब मुझे बताओ आप दोनों में से एक दूसरे के लिए गाना कौन गाए? तो उसको सिंगिंग अच्छी। अच्छा आपको पता है इनको अच्छी सिंगिंग नहीं थी, कैसे पता लगा? गाया था इन्होंने आपके? नहीं गाती हैं लेकिन वो थोड़ा सा अभी हेजिटेशन महसूस करती हैं ना। ठीक है हेजिटेट हैं वो। आप बताओ कि शादी के बाद आप कहाँ गए थे घूमने फिरने? हम शादी के बाद अभी तो रिसेंटली प्लान हमारा बना, लेकिन इससे पहले हम एक जगह पर गए थे जैसे वो आजकल वो रबुआ वगैरह ये चीज़ें देखने लोगों के लिए, जो लोगों ने यानी कि एक चीज़ बनाई थी कि यार ये इस जगह पे इस तरह बना है, तो हम वो चीज़ देखने के लिए गए थे कि यार ये सच में बना हुआ, लेकिन नहीं, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया हुआ है वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और कोई चीज़ नहीं बन सकती इस तरह की। तो उसके अलावा हमारा ये लास्ट टाइम, अब ये इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं कलर का हार वगैरह घूमने जाएंगे। ये अब घूमने जाने लगे हो? आपने इनसे गिला नहीं किया कि शादी के फ़ौरन बाद जाना था? नहीं मैंने मैनेज कर लिया था। वजह क्या बनी थी कि शादी के फ़ौरन बाद? शादी के फ़ौरन बाद आपको पता है फैमिली की दावतें वगैरह उनमें आप इतने बिजी।
फिर इसलिए उसके बाद फिर आ गए हमारी शादी के बाद मुहर्रम, अब ईद के बाद हम रिलैक्स हुए हैं तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। ये पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है? घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी होती है, वक्त ही होता है जो घर के अंदर भी चलता है। एक हाथी एक घंटे में 1 किलो गोश्त खा लेता है, तो 10 हाथी 1 घंटे में कितने किलो गोश्त खाएंगे? 10 हाथी 1 घंटे में कितने किलो गोश्त खाएंगे? 10 किलो। डन डन डन, कोई चेंज? नो। हाथी को गोश्त खाते देखा है कभी? का है डन, ठीक है। अच्छा जी, चले आप गाना गाइए अपनी वाइफ के लिए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब ऐ जाने जहां, हम क्या करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम। आपका? मोहम्मद अजान। कितना अरसा हुआ आपकी शादी? 6 मंथ्स हुए हैं। कैसी गुजरी है शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, हैप्पी। अच्छा मुझे ना अपनी ज़िंदगी का कोई लाइटर मोमेंट बताएं। ज़िंदगी का लाइटर मोमेंट यही है, हमारी लव मैरिज में बहुत सी रुकावटें आई हैं, ठीक है ना, तो मेरी मिसेज ने मेरा बहुत साथ दिया है। कौन सी रुकावटें आई? रुकावटें यही आई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई हुई है, तो मैं अकेला ही मैनेज करने वाला था घर में, तो जितना हो सका मैंने मैनेज किया। उसके बाद मेरी मिसेज ने मेरा बहुत साथ दिया। ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ देने से ही एक दूसरे मिल पाते हैं, वरना तो रुकावटें तो इंसान को दूर कर देती हैं, कुछ पेरेंट्स की वजह से, कुछ ब्रदर्स की वजह से, कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से। उनके पेरेंट्स को आपने मनाया कैसे? उनके पेरेंट्स के मैंने रिक्वेस्ट की इनकी मदर से मिल के, ना इसका ब्रदर मान रहा था और ना ही इसके वालद साहब मान रहे थे, तो मैंने इनकी मदर को मनाया, तो माँ मान जाए तो सब राजी, जग राजी तो सब राजी। अच्छा जी चलें, फिर आपको इतनी मुश्किलों से अपनी बीवी मिल ही गई हैं, तो फिर आपका प्यार मिला है और बीवी बन गई हैं, तो आप इनके लिए गाना गाइए फिर। अच्छा जी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हाफिज़। मेरे प्यारे देखने वालों, आपकी होस्ट जासबा मलिक ने आपको दिखा दिया है ये सारा प्रोग्राम। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है। लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है। इसका आंसर है गेट। आपके घर का गेट है वो अंदर भी होता है बाहर भी होता है। अच्छा जी, जो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था, एक हाथी 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है, तो 10 हाथी 1 घंटे में कितने किलो गोश्त खाएंगे? हाथी तो गोश्त ही नहीं खाता। वो कौन सा शख्स है जिसे आपकी ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? वो है डॉक्टर। तो जी, ये सवाल आपके जवाब आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।